हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर फिश मार्केट पर मौजूद हूं। ये सिंधी होटल की फिश मार्केट है जिसे फाइफी फिश मार्केट के नाम से लोग जाना करते हैं। आज इसकी हम वीडियो बनाएंगे और इनके रेट्स और मछलियों के नाम मालूम करेंगे और जितना हो सकता है उसकी डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से देखें ना तो आपके मोबाइल की मेमोरी जाती है और ना ही कोई मोबाइल में नुकसान होता है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। इसे लाइक भी क्या करें और सब्सक्राइब भी क्या करें। चलें वीडियो स्टार्ट लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? इरफान। इरफान भाई, माशाल्लाह ये जो फिश मार्केट है फाइफी की, बड़ी मशहूर और मारूफ फिश मार्केट है और सुनने में आया ये काफी पुरानी और मतलब बड़ी चलती हुई मार्केट है। ये सारा टाइम हो गया इस मार्केट को? जी सर, ये मार्केट को बने 20 साल हो गए। यहाँ की लोकेशन बताएं, यहाँ के कुछ रास्ता बताएं कि पब्लिक कैसे यहाँ तक आ सकती है, कौन सी जगह है और क्या है? ये सिंधी होटल की नई कराची मार्केट है, पुरानी जी। इस मार्केट को पहचानते हैं अल्लाह वाली मच्छी मार्केट, अल्लाह वाली मच्छी मार्केट, अल्लाह वाली मच्छी मार्केट। अच्छा, लोग फिश मार्केट फाइफी के नाम से भी इसको जानते हैं, सिंधी होटल मार्केट। जी जी, फाइफ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं? ये मागुर मछली है, दिखाएंगे मुझे। ये खून बनाती है, ये सिंगल, हाँ सिंगल गाटा होगा, इसके अंदर गाटा नहीं होता। जरा रखेंगे इसको ऐसे ऐसे मेरी तरफ मुंह करके रखें। यार ये देखो, माशाल्लाह। तो ये क्या किलो है? ये सर ये ज्यादा महंगी नहीं है, 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो मिलती है यहाँ पर। अच्छा, और इसका फिंगर भी आप लोग यहाँ से देते हैं? फिंगर भी यानी सीधा बनता है, 600 रुपए 500 रुपए किलो फिंगर इसका पड़ता है। सही। और कौन सी मछली है? और ये डिस्को मछली खिलाती है। ये कौन सी? वैसे डिस्को मछली, डिस्को डिस्को मछली, डिस्को मछली। वेल डन। सोल में बिकती है, खारे पानी के सोल में बिकती है मछली। अच्छी है ये, जायकेदार मछली है। गुड। सिंगल गाटा होगा इसका भी, चीज अच्छी है। और ये क्या किलो है? ये 350 रुपए किलो। मच्छी के रेट मुनासिब होते हैं, इसके ज्यादा रेट नहीं होते। 350 रुपए किलो देते हैं। तो आप लोग जैसे अगर हमारे चैनल जो टाइम 24 से कोई आता है तो उसको क्या रेट देंगे? उसको हम देंगे ये 250 रुपए किलो। बड़ी बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, ख्याल करेंगे बहुत अपनी तरफ से। अल्लाह अल्लाह आपको मार्केट का आया हुआ है, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सर। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? इरशाद। जिशान भाई, खैरियत है? बताएं हमारे को कौन कौन सी मछलियाँ बेच रहे हैं आप लोग? ये खग्गा है। उठे उठे उठ के दिखाएं मुझे। एक खग्गा है। अच्छा, ये खग्गा मछली है, रखेंगे नीचे ऐसी। गुड। ये क्या किलो दे रहे हैं आप? 230 और 250 रुपए। और ये कौन सी मछली है? ये इसको जो है ना दलिया, वो मटर कैसे बेचते हैं। अच्छा, ये क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 300 350 रुपए। एक बताएं रेट। 350 रुपए। तो इसके क्या फायदे हैं खाने के? ये जायकेदार है, अच्छी मछली है, एक कांटी, एक कांटी की मछली है। वेल डन। और एक ये भी एक खूबसूरत सी रखी हुई है, ये इसको हीरा बोल, हीरा मछली। बड़ी खूबसूरत मछली है भाई, हीरा। वेल डन। इसके क्या रेट है? इसको 300 रुपए। 300 रुपए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिल्कुल ऐसा खूबसूरती से बनानी है, एक एक चीज, एक एक मछली आ जाए इसमें। कुत्ता खा के आया हुआ, ये छुट्टी नहीं हो गई। वो मैं भाई, छुट्टी नहीं हो गई।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह माशाल्लाह आपके पास काफी अच्छी वैरायटी है। और मैं जब पिछली मरतबा आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है आप यहाँ कॉर्नर की दुकान पे थे जी। और उस वक्त भी आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी थी जी। तो आज आप क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? आज आपके व्यूवर्स को ये दिखा रहे हैं, ये रोहू मछली है। रोहू है, जायका अच्छा होता है। अच्छा, पर कांटा होता है, मीठे पानी की है। मीठे पानी की मछली है? हाँ, ये रोहू मछली है। अच्छा, ये कांटा होता है या कांटा होता है इसके अंदर जी? ये कनर्चा है, हीरा के नाम पे बेचते हैं, पर हीरा नहीं है ये। अच्छा, ये कनर्चा है, हीरा का भाई है ये। सही। और ये धोतर कहते हैं, ये धोतर नहीं है, डांगरी है, डांगरी भी नहीं है, ये मुई है। मुई? मुई। ये कैसे पता चलेगा? ये इसको देखे ना आप, वैसे तो मछली वाला इसको धोतर भी बना देगा, डांगरी भी बना देगा। अच्छा, जो नाम है वही है इसका, मुई। मुई। हाँ, जिसको नहीं पता व्यूअर्स को, वो देख लें मछली की पहचान करें। पर ये क्या किलो है सर? समंदरी है। क्या किलो मिलेगी ये? 400 रुपए। 400 रुपए किलो। और ये जो रोहू बताई थी आपने, रोहू मिलेगी 300 रुपए। 300 रुपए। और मुझे कुछ देखा, सिल्वर है, सिल्वर, पर इसको भी रोहू कहते हैं आजकल। अच्छा, वैसे ये सिल्वर कहलाती है, सिल्वर मछली है, रोहू से कम जायका है पर अच्छी है, कांटा होता है इसके अंदर, मीठे पानी की है। वेल डन, बहुत खूब। सिल्वर मछली है ये, इसमें कांटा होता है। क्या किलो है ये? ये 320 तक हो जाएगी। और ये कौन सी मछली है? फिश खग्गा कहते हैं इसको, कैट फिश कहते हैं दादा, इंग्लिश में कैट फिश, वैसे उर्दू में खग्गा मछली। अच्छा, ये बड़े साइज का खग्गा है, ये 300 रुपए। ये 300 रुपए किलो जी। अच्छा, ये कांटे की होती है? एक कांटे की है, ये हजाम पापलेट है, काला पापलेट बना के बेचते हैं, पर ये काला पापलेट है नहीं। सही। ये हजाम मछली है। हजाम मछली? हजाम। यार ये कैसा नाम है हजाम? ये नाम है इसका, बस काला पापलेट बना के देते हैं लोग, पर काला पापलेट है नहीं, ये हजाम है ये। अच्छा, ये पड़ेगी आपको 400 रुपए, पर जायका अच्छा होगा, एक कांटा होगा। जी, जायके में बेहतर है। ये दामा है। दामा? हाँ, गिस्सर के नाम पे बिकता है ये ज्यादातर। अच्छा, ऑल मछली वाला इसको गिस्सर कहेगा। सही, लेकिन ये दामा मछली है। सही। ये क्या किलो है? ये वाली 300। 300 रुपए किलो जी। अच्छा, इसमें फिंगर्स वगैरह भी की भी सहूलत है आपके पास? जी, फिंगर भी होता है, कुकड़ का भी होता है, मुश्के का भी होता है, जिसका बोलोगे इसका मिलेगा फिंगर। सही। और ये कौन सी मछली है? ये कुन मछली है, एक कांटे की मछली है, समुद्री मछली है। सही, कुन जी। ये मुझे बताएं इसके बारे में कुछ। इसमें एक ही कांटा होता है, पर ये काली कुंड है, इसमें दो नस्लें आती है, एक व्हाइट आती है और एक काली आती है। सही है। जो काली है वो 400 रुपए किलो है अभी इस टाइम। सही। जो व्हाइट है वो 900 रुपए, 800 रुपए किलो है। सही है। पर ज्यादातर अक्सरियत लोग ये छोटे दाने के व्हाइट कुंड बना के बेचते है। व्हाइट कुंड की जो पहचान होती है ना, दुम ग्रे होती है, हरी हरी दुम होगी उसकी, हरी दुम होगी। सही। और इसकी काली है? जी, इसकी काली है, उसकी दुम हरी होगी। वेल डन, वेल डन, ये बड़ी अच्छी पहचान है। दंडिया मछली है, ओरिजिनल दंडिया है, एक कांटे का। ये मीठे पानी की समुद्री है, एक कांटे की। क्या कहलाती है? दंडिया। दंडिया लोग वैसे दंडिया इसको भी कहते हैं, आप पहचान करें, देखें दंडिया। और ये कपड़दान है, ये दंडिया है, ये कपड़दान है, ये दंडिया, दंडिया, ये उल्टे हाथ वाली दंडिया है और सीधे हाथ वाली कपड़दान है। यार ये तो मुझे, ज्यादातर लोग इसको दंडिया कहते हैं। सही। और ये दंडिया नहीं है, दंडिया जो है ये है। बहुत अच्छे। जो व्यूअर्स धोखा खा लेते हैं वो पहचान करें, दंडिया इसे कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कांटा होगा, अच्छी मछली। वैसे तो कपड़दान भी अच्छी मछली है, पर नाम जो है ना कपड़दान है उसका, वो दंडिया नहीं है। सही। जो दंडिया है वो कपड़दान नहीं है। सही है। ये क्या किलो आप दे रहे हैं? ये 500 रुपए किलो है, इसका बड़ा भी होता है अपने पास। दंडिया 500 रुपए, 100 रुपए किलो होता है बड़ा। सही है। और वो जो कपड़दान है? कपड़दान जो है वो 450-400 रुपए लगेगा, बड़े साइज का है, दंडिया से बड़ा है। एक कांटा होता है, मतलब एक कांटा होता है, अच्छी मछली है जायके वाली। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी। कलंदरी फिश शॉप है, सिंधी होटल न्यू कराची, सरफराज नाम है। हाँ, ये माशाल्लाह आप तो बड़े मशहूर हैं यहाँ पे। जो भी भाई आएगा इंशाल्लाह धोखा नहीं खाएगा, जो नाम होगा वही मछली मिलेगी इसको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ये एक छोटा, ये कैटफिश है, खग्गा, ये कांटा होता जो आपने, ये बड़ी है? हाँ, ये बड़ी है, वो छोटी है, छोटी वाली 250 है, छोटी वाली 250 रुपए की। ये भी एक कांटा है, एक कांटा है भाई। बड़ी 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 नवाज़ सरफराज भाई, बड़ी नवाज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम।
ये क्या कर रहे हैं आप सर? फिंगर बना रहे हैं, फिंगर फिंगर्स बना रहे हैं आप? फिंगर ये कुकड़ मच्छी की बना रहे हैं, जायके वाली फिंगर होती है। अच्छा, कुकड़ का फिंगर बना रहे हैं आप? ये दोनों कुकड़ ही है। अच्छा माशाल्लाह, आपके पास इतनी वैरायटी रखी हुई है। ये कुकड़ ये फिंगर क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 800 रुपए किलो होता है, इसे 700 में देते हैं। 800 रुपए 700 रुपए सही। इसमें मतलब हर मछली का फिंगर दस्तयाब है या मसलन हम बनाते हैं इस कुकड़ का? सिर्फ कुकर का बनाते हैं आप लोग? कुकर का ही बनाते हैं, ठग्गे का भी बनाते हैं। ठग्गा बड़ा हुआ इसका बन जाता है। ठग्गा का भी आप फिंगर बनाते हैं? ठग्गा का फिंगर क्या किलो है? इसका 500 में आ जाता है। और ये मछली कौन सी है? ये दंडिया मछली। दंडिया ये क्या किलो दे रहे हैं आप? ये अमूमन तो ये इसका रेट ज्यादा है, 700-800 रुपए है। ये लाट में आई हुई है किसान। क्या दे रहे हैं आप? हम तो ये बेच रहे हैं 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो दंडिया आई है। और ये कौन सी मछली है? ये गिस्सर होती है, असल गिस्सर, एक लंबा हो रही है। कौन सी है? गिस्सर। गिस्सर ये क्या किलो दे रहे हैं? तो चला रहे 280-300। 280 और 300 सही है। बहुत 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 अच्छी मछली है भाई। ये असल एक नंबर गिस्सर होती है, इसमें लाल वाली भी आती है नाम। ये गिस्सर है? नहीं, ये धोतर। धोतर देख लें नाजरीन, धोतर मछली भी आप देख लें। इसमें दो किस्म की धोतर आती है, एक ये भी धोतर है। ये धोतर है, ये भी असल धोतर होती है। तो ये इतनी चौड़ी और ये इतनी पतली, ये ओरिजिनल धोतर होती है जो आपके हाथ में? मेरे हाथ में जो ये ओरिजिनल धोतर है, ये उससे कॉपी है। अच्छा ये कॉपी है, वाह अल्लाह, इसमें भी कॉपी है? ये भी धोतर से भी अच्छी है मछली। कौन सी? ये कॉपी जो है? कॉपी हाँ, इसको बोलते हैं दुम मच्छी। दुम याद रहेगा, दुम मच्छी। दुम मच्छी, दुम दुम। अच्छा ये क्या किलो दे रहे हैं आप? ये भी वैसे चला रहे 350-300 चलाएंगे। सही, मतलब 300 या 350 कोई भी। और ये भी यही है हमारे पास, 300-350 ही ज्यादा होती है। एक ही मछली है दोनों? एक ही मछली है। बैठो माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़े बड़े साइज आपने रखे हुए। ये देखिए रामस मछली है, रामस रामस बेहतरीन, रामस रामस बहुत बेहतरीन मछली होती है। ये क्या किलो दे रहे हैं? ये है तो हमारे पास नहीं है, थोड़ी सी है। महंगी होती है मच्छी, नहीं यहाँ पे नहीं चलती है बाजार में, ना सस्ती मच्छी ज्यादा चलती है। फिर भी रामस क्या किलो दे रहे हैं? ये रेट होगा तकरीबन 670 होगा। 670 रुपए? 600 रुपए। अच्छा फिंगर्स हर मछली का आपके पास अवेलेबल है? सबका बना देते हैं, ग्राहक बोलेगा तो सबका बना देंगे। सही है, किसी का भी बोले। और ये खग्गा है? ये खग्गा है, ये अमूमन इसका ज्यादा फिंगर इसका बना देते हैं। दिखाएंगे, वेल डन, बहुत ही खूबसूरत मछली है भाई, खग्गा कहलाती है। अपनी मिसाल आप है, बहुत अच्छे। और ये जो खग्गा है ये क्या किलो दे रहे हैं आप? 320-300। ये कांटे की होती है? इसकी कांटा है, ज्यादातर फिंगर इसी का बनता है, खग्गा का। ग्राहक जो ना अमूमन ज्यादा फिंगर इसी। और ये एक आर्मी आलू की तरह? ये गिस्सर है। ये गिस्सर है थोड़ा, वो छोटी है। अच्छा अच्छा, जो अभी आपने दिखाई ये भी और ये भी, ठीक है। ये क्या किलो दे रहे हैं? ये 400 रुपए बेचेंगे बड़ी वाली। ये और बड़ी हो जाएगी तो और महंगी है, 1000-1200-1500 रुपए भी जाएगी। गुड 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 गुड। और ये सब कुकड़ है। कुकड़ क्या हिसाब दे रहे हैं? कुकड़ 320-300 चला रहे हैं। 320-300 तक। बहुत 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 बड़ी नवाज, बड़ी नवाज, बड़ी नवाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, यहाँ पे आप मछली लेने के लिए आए हुए हैं, कुछ बताएं यहाँ मतलब मछलियाँ किस तरह मिला करती हैं? और ये आप खग्गा मछली ली है मैंने, 300 रुपए किलो दिए भाई ने, अच्छी मछली है। अच्छा। कांटे की भाई के पास आपने मछली ले लेनी। तो कुछ बताएंगे इस बाजार में आपके यही है इसे करीब में? नहीं नहीं, करीब नहीं, लाल मार्केट से है, लाल मार्केट। अच्छा, ये जैसे इस मार्केट के बारे में कुछ बताएं, इसकी लोकेशन बताएं और यहाँ के बारे में बताएं। भाई थी ये लाल मार्केट के शहर में सिंधुड़ोल में मच्छी मार्केट है। कितनी पुरानी मार्केट है? तकरीबन 30 साल हो गए इस मच्छी मार्केट को। अच्छा, 30-35 साल हो गए सुना है जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत पुरानी मार्केट है यानी जी, बड़ी नवाज। हेलो सलामुन सर। सर माशाल्लाह आपके पास इतनी सारी वैरायटीज हैं, कुछ वैरायटीज के बारे में आप बताएं। और ये फिंगर क्या हिसाब दे रहे हैं, किस मछली का फिंगर है? ये खग्गा मछली का फिंगर है। खग्गा मछली का फिंगर है, क्या किलो दे रहे हैं आप? ये हम अभी चला रहे हैं 600-550, मतलब 500 और 650 मतलब रुपए किलो, मतलब जैसा कस्टमर आ जाए। सही, और कुछ मछली के बारे में बताएं। कौन सी मछली है उठाएंगे दिखाएंगे? कुंड
ये क्या किलो दे रहे हैं? ये 400 रुपए किलो है। अच्छा ये व्हाइट और ये बताया था इन्होंने कि ये ब्लैक है, ये काला कुंद, काला कुंद। ये 600 रुपए? नहीं 400 रुपए, 400 रुपए किलो। माशाल्लाह काफी अच्छा साइज है, बड़ा साइज है। और ये कौन सी मछली है? ये डामा गिस्सर है। डामा गिस्सर, गिस्सर। ये क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 300 रुपए किलो है। 300 रुपए। अच्छा ये एक कांटे की होती है मतलब? जी, एक कांटे की होती है, समंदर की मछली और एक कांटे की है। सही। अच्छा एक और बात, ये मीठे पानी की मछली के बारे में कुछ लोगों ने हमें बताया है कि भाई मीठे पानी की मछली जो है ज्यादा ताकतवर होती है, ऐसा है कुछ? मीठे पानी की मछली जो है वो पाम की होती है। ये कौन सी मछली है जो मेरे हाथ में? ये खग्गा मछली है। ये क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो जी। वेल डन। तकरीबन इसमें अच्छा साइज है, बड़ा साइज है, किलो डेढ़ किलो पक्के साइज है। और ये कौन सी मछली है? ये डामा गिस्सर है। ये भी ये इसी की बड़ी है। ये जो ये छोटी है ये बड़ी है? जी जी। वेल डन। ये बड़ी वाली जो 400 रुपए किलो है। ये 400 रुपए किलो है, बड़ी नवाजिश। और ये कौन सी मछली है? यही है, एक ही मछली है। हाँ ये सब एक ही है। गुड। और ये? ये भी यही है। अच्छा साइज रखे हुए आपने? जी। ये क्या किलो दे रहे हैं? ये 400 रुपए किलो। सही है, मतलब थोड़ा फर्क, ज्यादा फर्क नहीं है इतना, सिर्फ साइज का फर्क है। ये बड़ी मछली है जी। बड़ी 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 नवाजिश पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पब्लिक यहाँ रब्ता करेगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या नाम है आपका? मेरा जी दुकान माली साहब के नाम से, सराय नाम से। अच्छा मिराज भाई माशाल्लाह आपके पास इतनी वैरायटी है, ये क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 500 रुपए किलो है। सही। ये सफेद कुंद है। सफेद कुंद जी। अच्छा इसकी वो दुम की पहचान बता रहे थे, यही दुम होती है इसकी। वेल डन वेल डन। और ये क्या किलो दे रहे हैं आप इसे? ये 550 रुपए किलो है। ये काला कुंद है। ये 400 रुपए किलो है। ये 400 रुपए किलो है। सही। और ये सारम है। ये सारम है। सारम क्या हिसाब दे रहे हैं? सारम 450 है। सारम 450 रुपए किलो। ये एक कांटे की? एक कांटे की समंदर की मछली है। अच्छा यहाँ पर किसी भी मछली का फिंगर अगर हम लेना चाहें तो फिंगर हर मछली का बन जाएगा, जो सी मछली लोगे। ये कपड़दान है। कौन सी? कपड़दान। कपड़दान नाम है। कैसे कैसे नाम है यार। और ये क्या किलो है? ये 400 रुपए किलो है। वेल डन। ये तोता परी है। तोता परी जी। अरे माशाल्लाह भाई ये तो म्यूजियम की मछली है। ये क्या किलो दे रहे हैं? 450 रुपए। ये 450 रुपए किलो। ये गिस्सर है। ये तो मेरे ख्याल किसी मछली को खा गई है। ये गिस्सर है। अच्छा ये क्या किलो है? गिस्सर, गिस्सर 400 रुपए के है। ये डामा है लाल वाली, ये 300 रुपए किलो। ये 300 रुपए किलो है। ये इसके नाम पे बिकती है, ये ओरिजिनल है, ये वाली ये ओरिजिनल है। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसका गोश्त का फर्क है, एक कांटे की है। ये जलेबी पापलेट है अपने पास। ये दिखाएंगे जरा? दिखाएंगे जी भाई। 280 में? 280। कितनी लेंगे आप? ये ओरिजिनल पापलेट है, ये जलेबी पापलेट है। जलेबी पापलेट जी। क्या किलो दे रहे हैं ये? ये 400 रुपए। ये वाली 350 रुपए। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है? वो डोड़ वाली है, टिप्पे वाली कहलाती है वो महंगी। अच्छा जाएगा दोनों का सेम? उसका अच्छा होता है। इसका अच्छा है। देख लें नाजरीन। ये 450। और ये क्या किलो दे रहे हैं? ये 450 रुपए। ये कौन सी है? ये मुई मछली है। मुई। ये माशाल्लाह कैसे कैसे नाम है मुई मछली। ये अपना कैट फिश है। ये बड़े साइज का, तो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो क्या किलो, कितने किलो की? 5 किलो का भी दस्तियाब है अपना। तो अच्छा खासा बड़ा साइज है ये तो। बहुत जी भाई आप बोले। पता क्या लगती है? बिस्मिल्लाह करेंगे आपके हाथ से। ये वाली 300 है, ये 250 रुपए दस्तियाब है। ये 250 रुपए। तो इसी का साइज है छोटा? इसी का छोटा साइज है। बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश भाई। ये भाई बड़ी बड़ी नारा कहाँ जाएगा प्रोग्राम बताते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। आपका नाम? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा भाई माशाल्लाह आपके पास अच्छी खासी वैरायटी मौजूद है मछलियों की, तो कुछ हमें इनके रेट और इन मछलियों के बारे में बताएंगे?
भाई वो कोने वाला है चुन्नी घिसर। ये जी क्या कहलाता है? जिमी घिसर, चुन्नी घिसर, चुन्नी घिसर जी। यार ये नाम कुछ अजीब अजीब नहीं है मछलियों के? अच्छा, और ये चुन्नी घिसर क्या किलो दे रहे हैं? ये 650। 650 रुपए जी। और ये जो है कैटफिश, खगा कैटफिश, ये क्या किलो दे रहे हैं? ये 300 चला रहे हैं। 300 रुपए किलो जी। एक कांटा इसका फिंगर भी बन जाता है। और ये छोटा वाला? छोटा वाला 250 चला रहे। छोटा 250 जाएगा? दोनों का सेम है? सेम है। सही। और ये माशाल्लाह कुकर तो बहुत जबरदस्त आपके पास रखा हुआ, बहुत बड़ा है, साइज भी बहुत अच्छा खासा है। ये क्या किलो है? ये 550 चला रहे। 550 रुपए, गुड। ये तोता परी, ये क्या किलो दे रहे हैं सर आप? ये 600। तो इसका जायका कैसा होता है? तीन जायका है, मुल्ला से भी अच्छा जायका। मुल्ला कौन है? मुल्ला मच्छी, मच्छी है मुल्ला। मुल्ला एक मच्छी है, उससे भी अच्छा जायका जी। मच्छी का हर हर एक जायका अलग अलग, इसलिए तो मच्छी खाओ तो जी नहीं भरता। सही कह रहे हैं आप सर। तो माशाल्लाह ये कौन सी मछली है? काला कौन? ये क्या किलो दे रहे हैं? ये 450। हाँ, इसकी पहचान बता रहे थे कि इसकी दो मुड़े दो मुड़े होगी इसकी। सॉरी, 450 रुपए जी। और ये जो है ये दान है, ये दान है जी। दान मछली क्या किलो है? ये 450। अच्छा, ये भी कांटे की? कांटे की, वेल डन। और ये बराबर में जो है? ये दो नंबर हीरा है। दो नंबर हीरा जी। तो एक नंबर की क्या पहचान है? एक नंबर की पहचान ये है कि उसके ऊपर एक टिप्पा होगा, एक निशान, ये इधर टिप्पा होगा जी। ये जो टिप्पा, वेल डन, ये असल पहचान है। तो ये एक नंबर और दो नंबर क्या रेट दे रहे हैं आप? ये दोनों एक हिसाब में बेच रहे हैं 400 रुपए। 400 रुपए किलो। वैसे एक नंबर है 800, 850। और ये जो है? ये दंडिया है। ये क्या किलो दे रहे हैं? दंडिया 400 दे रहे हैं। 400 रुपए किलो जी। ये मुश्का है। मुश्का क्या किलो दे रहे हैं? मुश्का 450। मुश्का 450 रुपए जी। सिलेंडर मुश्का है ये? सिलेंडर मुश्का जी। और ये छोटी? सही। और ये बांगड़ा? बांगड़ा जी। ये क्या किलो दे रहे हैं? ये 300 रुपए। 300 रुपए किलो बांगड़ा भी? एक कांटे की? एक कांटा होता है तकरीबन। यहाँ तकरीबन मछलियों का एक कांटे की मच्छी बेचते हैं, एक कांटे की, मीठे पानी की नहीं बेचते। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। हाँ, अब ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? मेरा नाम खालिद। खालिद भाई, हमें बताएं, माशाल्लाह आपके पास इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी मौजूद है, कुछ इनके बारे में बताएं, मछलियों के कौन कौन सी मछलियां हैं और क्या नाम है इनके?
ये खग्गा सुरमई है। खग्गा सुरमई जी, ये एक नया नाम मिला। अच्छा, ये वही कैटफिश? जी जी। ये क्या किलो दे रहे हैं आप? ये सिर्फ 250 रुपए दे रहे हैं। 250 रुपए किलो दे रहे हैं आप, गुड। और ये, अच्छा ये भी ये खग्गई फिश है सारी। ये इसका नाम है सारम। सारम सुरमई में बिकती है ये, कह के सही। ये क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 350 रुपए है। 350 रुपए किलो जी हाँ, सारम के नाम से जी हाँ, गुड। बिकती है सुरमई करके है नाम इसका, सारम है। ये वो ये कैटफिश जी हाँ। अच्छा, आपके पास कैटफिश की वैरायटी ज्यादा है, तो क्या क्या वजह है यहाँ पर कैटफिश ज्यादा बिकती है? इसमें कांटे कम होते हैं इसलिए ये ज्यादा चलती है, उसका रेट भी कम होते हैं और मछलियों से ना। एक एक कांटे की जी हाँ, कांटा भी एक होता है, इसके फिंगर भी बनते हैं। सही, और कांटा भी सिंगल होता है इसमें। अच्छा, आप ये बताएं इस मार्केट के बारे में, सुनने में आया है काफी पुरानी और ओल्ड मार्केट है। जी जी। तो आप यहाँ पर कब से हैं, कितना टाइम हो गया आप लोगों? यहाँ मैं समझो 8-9 साल का था जब से इसी मार्केट में। अच्छा, तो तकरीबन 40 साल पुरानी मार्केट है। 46 मेरी उम्र है। गुड, अच्छी खासी पुरानी मार्केट है भाई, फिश मार्केट बहुत कुछ। तो यहाँ और भी माल आता है, अभी जरा मौसम थोड़ा गर्म है इसलिए वैरायटी कम है। सही, मौसम चेंज हो जाएगा तो और भी वैरायटी आती है यहाँ पर। आप पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक से ये कहेंगे कि यहाँ आए, खरीदारी करें, ये है कि जो आपको अच्छी लगे वो आप अच्छी लें। बड़ी 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 नवाज, बड़ी नवाज। अच्छा, वैसे यहाँ पर इतना रश नहीं है इस मार्केट के अंदर, इसकी क्या वजह है? ये बाहर जो है ना ठेला लगाया हुआ, भागड़ी और हिंदू सारे वहाँ से मच्छी ले रहे हैं, हमारे वाले सारे मुसलमान। यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, तो वहाँ पर जो है ना एक किलो मांगते तो 3-5 देते हैं, हेराफेरी करते हैं तराजू के अंदर, तो बोलते वहाँ से सस्ती मिल रही है। वो माल भी नरम गरम होता उनका, और हमारे पास मच्छी अच्छी वाली होती है। वो हमारे पास जितना छटा हुआ माल होता है, सारा अच्छा माल होता है, वो नरम गरम मच्छी लाके 200 रुपए किलो लाके और मच्छी जो है ना दे देते हैं वो लोग। आवाम से कुछ कहना चाहते हैं? आवाम से ये कहना चाहता हूँ भाई, ये मच्छी मार्केट है हमारी नहीं, कराची सिंगोर की। आप इधर से खरीदारी करें, गोश्त मुर्गी और सब्जी तक यहाँ पर रियायत बहुत मुनासिब रेट में मिलती है। बड़ी 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 नौ। देखा नाजरीन आपने, अभी हमने 5 की फिश मार्केट चिल्ली होटल का विजिट किया और यहाँ पर मछलियों के रेट और मछलियों के बारे में जानकारी हासिल की, मालूमात हासिल की, और हमने आप लोगों को हर वो मालूमात पहुँचाने की कोशिश की जो कि मछलियों से मुंसलिक होती है। ये एक बहुत पुरानी और मुस्तनद मार्केट है और यहाँ पर मछली काफ़ी सस्ते और मुनासिब रेटों पर मिला करती है। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मार्केट का विज़िट करें और यहाँ से मछलियाँ आप लोग हाजिर लें, क्योंकि मछलियाँ यहाँ पर ताज़ा और फ्रेश मिला करती हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।